नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दी करंट अफेयर शो में और मैं हूं आनंद कुमार। हाल ही में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एक वेबिनार के दौरान अपने बयान में कहते हैं कि वो दो सबसे महान भारतीय कौन हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं, तो वो कहते हैं महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध। इसके बाद नेपाल की तरफ से आपत्ति जाहिर किया गया और कहा गया कि गौतम बुद्ध का जन्म अगर नेपाल में हुआ है तो आप उसे भारतीय कैसे कह सकते हैं, तो इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो गया। तो आज के शो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है और इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम जानेंगे। तो चलिए आज के दी करेंट अफेयर शो की शुरुआत करते हैं। हाल ही में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के बयान पर जिस प्रकार से नेपाल ने आपत्ति जताई है, उसे हम सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी ही कह सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से नेपाल जिस प्रकार से एग्रेसिव बयानबाजी कर रहा है भारत के खिलाफ, चाहे वो नया मैप को लेकर हो, चाहे वो राम मंदिर के निर्माण को लेकर हो और अब भगवान बुद्ध के जन्म स्थान को लेकर, और इस बयान को आप राजनीतिक बयानबाजी इस आधार पर भी कह सकते हो कि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल गए थे तब उन्होंने वहां के संसद को संबोधित किया था और वहां उन्होंने खुद कहा था कि भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो नेपाल के लुम्बिनी में ही हुआ है। और एस जयशंकर के इस स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं कहा गया कि भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो नेपाल के लुम्बिनी में ही हुआ है। हालांकि भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की भारत में और इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया भारत में। इन्हीं सब आधार पे एस जयशंकर कहते हैं कि अगर दो सबसे महान भारतीयों का नाम मैं लूँ तो वो आते हैं महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध। कहीं भी इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो भारत में हुआ। उसके बाद नेपाल ने जिस प्रकार से नाराज़गी जाहिर की या फिर जिस प्रकार से नेपाल के स्टेटमेंट आए, वो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी ही कहा जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम जानते हैं भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो ये रहा आपका लुम्बिनी, जो कि साउथ नेपाल में स्थित है और ये वर्तमान समय में रुमिनदेई एरिया में आता है। माया देवी का मंदिर है जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ये माया देवी का मंदिर, ये भगवान बुद्ध की माता है माया देवी, इन्हीं के नाम पर यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया गया है। और इस माया देवी मंदिर को और पूरे लुम्बिनी क्षेत्र को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। कब? 1997 में। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस क्षेत्र की खोज किसने की थी? सम्राट अशोक ने 248 ईसा पूर्व इसका खोज किया गया था। उस समय के प्राप्त शिलालेख और स्तंभों से ये ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक ने ही इस क्षेत्र की खोज की थी, यानी कि लुम्बिनी की। और इन्हीं के शिलालेखों के आधार पर ये कहा जाता है कि लुम्बिनी में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और सम्राट अशोक के इस लेख को फिर से खोज किया जाता है कब? 1896 में। और ये खोज किया जाता है जर्मन पुरातत्वविद होते हैं जिनका नाम एलोइस एंटन फ्यूअर होता है, इनके तरफ से खोजा जाता है 1896 में। उसके बाद ये तथ्य और मजबूत हो जाते हैं कि लुम्बिनी में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। एक साक्ष्य और मिलता है 2013 में, जहाँ पर इस माया देवी मंदिर में एक बहुत बड़े लकड़ी का गट्ठा मिलता है और उस लकड़ी के गट्ठे के आधार पर और ये तथ्य मजबूत हो जाते हैं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में ही हुआ था। तो गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित यहाँ पर इन महत्वपूर्ण तथ्यों को आप यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये है आपका माया देवी का मंदिर और यहीं पर एक तालाब स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जब यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो उनकी माता जो पहली बार स्नान करने आई थी इसी तालाब में करने आई थी और इसी मंदिर के पास में सम्राट अशोक ने इस स्तंभ को बनवाया था और इस स्तंभ पर जो ब्राह्मणी लिपि लेख भाषा लिखा हुआ है, इसी लिपि लेख भाषा के आधार पर कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म जो है वो नेपाल के लुम्बिनी में ही हुआ है। तो यहाँ पर अभी तक तो जो प्राप्त साक्ष्य हैं उसके आधार पर कहीं भी कन्फ्यूज़न नहीं है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। तो अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था तो आप लुम्बिनी ही आंसर लीजिएगा और उससे रिलेटेड जो भी मैंने फैक्ट्स बताए उन सबको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सम्राट अशोक की बात यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। सम्राट अशोक के बारे हम
लोग जानते हैं कि मौर्य राज्य वंश के सम्राट रह चुके हैं, कब से कब तक, 268 से 232 ईसा पूर्व तक। राजधानी कहाँ हुआ करता था, पाटलिपुत्र, जिसे बाद में मगध और फिर अब वर्तमान समय में पटना के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो ये सम्राट अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य इनके संस्थापक थे। इसका विस्तार कहाँ था, इसका विस्तार आप इस पूरे मैप में देख लो, पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ तक कि भारत के कुछ दक्षिणतम राज्यों को छोड़कर पूरा भारत, यहाँ पर आपका पूरा जो बांग्लादेश का एरिया आ जाता है, ये पूरा का पूरा जो है, तो पूरा का पूरा यहाँ मौर्य वंश का शासक हुआ करता था। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में भी हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि कई बार वन डे एग्जाम में भगवान गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका पूरा नाम क्या था, सिद्धार्थ गौतम। इसके बाद वंश कौन सा इनका था, तो शाक्य क्षत्रिय वंश, ये याद रखिएगा। जन्म 623 ईसा पूर्व माना जाता है, लेकिन इस पर भी कई डाउट हैं, कई जो इतिहासकार हैं वो संदेह जताते आ रहे हैं। कईयों का मानना है कि 300 से 400 ईसा पूर्व के बीच भी इनका जन्म हो सकता है, तो इस पर भी काफ़ी संदेह है, लेकिन अभी तक जो साक्ष्य प्राप्त है उसके अनुसार 623 ईसा पूर्व इनका जन्म माना जाता है। जन्म स्थल जैसे हमने बात किया लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। मोक्ष की प्राप्ति इनको कहाँ हुआ था, कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। आत्मज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुआ था, बोधगया जो कि बिहार के गया जिले में स्थित है। पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी और प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ यूपी में इन्होंने दिया था। तो भगवान बुद्ध से जुड़े इन तथ्यों को भी आपको याद रखना है, अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए। तो देखिए, कुल मिलाकर अगर कंक्लूजन की बात करें तो ये कहीं भी संदेह नहीं बनता है कि भगवान बुद्ध का जन्म जो है वो नेपाल के लुम्बिनी में ही हुआ था। और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर द्वारा कहीं भी ये नहीं कहा गया कि भगवान बुद्ध का जन्म भारत में हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल बयानबाजी अभी नेपाल जिस प्रकार से भारत के खिलाफ कर रहा है वो सब हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भारत के खिलाफ किस प्रकार से काम कर रही है वो भी हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हाल ही में जिस प्रकार से नेपाल ने अपना पॉलिटिकल मैप जारी किया, उसके बाद राम मंदिर पर जिस प्रकार से टिप्पणी की, और हाल फिलहाल में भारत और नेपाल के रिलेशंस जिस प्रकार से खराब हुए हैं वो सब भी हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उसके बाद इस जयशंकर के इस स्टेटमेंट के बाद नेपाल ने जिस प्रकार से आपत्ति जताई उसका कोई भी आधार नहीं बनता है। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं इन सबको आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के दी करंट अफेयर शो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।